हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। आज का फिजिकल एजुकेशन में टॉपिक है, व्हाट इज बीएमआई? बीएमआई क्या होता है? थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक है, तो इसमें शॉर्ट नोट आता है कभी कभी, राइट? शॉर्ट नोट ऑन बीएमआई ऐसे भी आता है, तो थोड़ा इसको मैं डीपली बताऊंगा यहाँ पर। बट इस पर कॉमेंट्स लिखने के लिए भी आते हैं, राइट? शॉर्ट नोट ऑन बीएमआई, व्हाट इज बीएमआई, डिस्क्राइब बीएमआई, ऐसे करके, ठीक है? ओके, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, व्हाट इज बीएमआई। तो बीएमआई सबसे पहले इसका मैं फुल नेम बताता हूं, बीएमआई क्या होता है। बीएमआई का फुल नेम होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, कभी कभी एक नंबर में इसको पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई, तो बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है? और इसके यूज कहां पर होता है बीएमआई का? हम सपोज करो मेरा बीएमआई कितना है, मुझे कैसे पता चलेगा, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बीएमआई को? इसका कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है। और बीएमआई होता क्या है? मेरा एक फिटनेस बॉडी का कितना बीएमआई होना चाहिए, ये सभी चीजें बीएमआई के अंतर्गत आती है। तो कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई, कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई, इसका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का बीएमआई को, बी एम आई। इसका क्या हो गया? बॉडी मास इंडेक्स, बी एम आई इज इक्वल टू वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर इनटू हाइट इन मीटर। इसका फॉर्मूला होता है, बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। कभी कभी इसको ही पूछ लेते हैं एक नंबर में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बीएमआई? तो बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन केजी, जो वेट की वैल्यू पुट करनी है वो किलोग्राम में करनी है, अपॉन हाइट इनटू हाइट, जो हाइट की वैल्यू पुट करनी है वो मीटर में करनी है, ठीक है? तो ऐसे नहीं बताना कि 5 फुट 6 इंच, नहीं, 5 फुट 6 इंच को मीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद यहां पर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? अब इसको किसी एक नॉर्मल पर्सन का निकालते हैं बीएमआई। सपोज करो कि कोई पर्सन है, उसका वेट है, बॉडी वेट है उसका, उसका बॉडी वेट है 70 केजी और हाइट है उसकी 1.60 मीटर। यदि ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, यदि किसी व्यक्ति का भार 70 किलोग्राम है तथा उसका उसकी ऊंचाई 1.60 मीटर है, तो उसका बीएमआई क्या होगा? ऐसे पूछ लिया जाता है अक्सर, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इसकी वैल्यू हमको दी हुई है, जो वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करनी है, बीएमआई निकल आएगा। तो इक्वल टू वेट कितना है 70 अपॉन हाइट कितनी है 1.60 इंटू 1.60 इक्वल टू 70 अपॉन ये होगा 2.56 2.5, ठीक है? इसको दशमलव रिमूव किया और इसको कट करके आ जाएगा 27.34। अब जो इसका मात्रक रहेगा, यूनिट वो क्या रखी जाएगी, यूनिट क्या बनी इसकी, किलोग्राम अपॉन मीटर, मीटर 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 मल्टीप्लाई में घात जुड़ती है, ऐड होती है, मीटर 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 स्क्वायर किलोग्राम, इसकी यूनिट क्या बनी 27.34 किलोग्राम प्रति
मीटर स्क्वायर, ये इसकी बीएमआई कैलकुलेट हो गई। तो जिस व्यक्ति का बॉडी वेट 70 किलो है तथा हाइट इतनी है, उसका बीएमआई इतना निकल के आया। तो जो यदि इतना है, इस सबकी वैल्यू इतनी है, तो इसका बीएमआई इतना आएगा। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि यदि बॉडी वेट इतना है, हाइट इतनी है, तो बीएमआई कितना होगा। और इसकी कुछ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ जानते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ इसकी कुछ टेबल दी गई है कि किसको ओवरवेट की श्रेणी में, किसको अंडरवेट की श्रेणी में, किसको ओबेसिटी की श्रेणी में रखा गया है। तो वो इसमें श्रेणी भी है, मैं उसको बताता हूं अभी। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ एक टेबल है इसकी बीएमआई की कैटेगरीज की, कि अंडरवेट में किसको रख सकते हैं जिसका बीएमआई कितना आ रहा हो, और ओबेसिटी में किसको रख सकते हैं जिसका बीएमआई कितना आ रहा हो। ठीक है, इस चीज को रख सकते हैं। तो कैटेगरी ऑफ बीएमआई, कैटेगरी तो फर्स्ट कैटेगरी है अंडरवेट, सेकेंड हो गई नॉर्मल वेट, थर्ड है ओवरवेट, फोर्थ है ओबेसिटी फर्स्ट क्लास, फिर है ओबेसिटी सेकेंड क्लास, फिर है ओबेसिटी थर्ड क्लास। ठीक है, ओबेसिटी की भी तीन कैटेगरी है, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। ठीक है, अब जो भी आपका बॉडी वेट होगा वो इन्हीं कैटेगरी के अंतर्गत होगा। अब आपकी जो ये पता चलेगा, आपके हमको कैसे पता चलेगा कि हम अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं, हम ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा, हाउ टू मेजर योर बीएमआई। तो ओवरवेट ये बोलते हैं कि आप ओवरवेट हो, स्पोर्ट्समैन को बोला जाता है जो एथलीट है कि आप अंडरवेट आ गए हो। रेसलिंग में काफी बोला जाता है, रेसलिंग में कहो वेट के, जो रेसलिंग होती है कुश्ती, वो वेट के अंतर्गत होती है, तो उसमें अक्सर बोला जाता है कि आप अंडरवेट हो, आप ओवरवेट हो। तो ओबेसिटी तो उसमें यूज नहीं करते, बस अंडरवेट ओवरवेट करते हैं। ठीक है, उसमें कैसे पता चले हम अंडरवेट है। ठीक है, तो उसकी एक बीएमआई, अपना बीएमआई निकालो, उस बीएमआई को अकॉर्डिंग आप आ रहे हैं तो ठीक है, यदि नहीं आ रहे हैं उस कैटेगरी से आपको कैटेगरी पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमारा उसका जो अभी निकाला था, जिसका बॉडी वेट था, जिस पर्सन का बॉडी वेट था 70 और हाइट थी 1.60 मीटर और केजी, उसका बीएमआई निकल के आया था 27.34 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना, आप इसको बाद में देखते हैं किस कैटेगरी में आ रहा है, जिसका भी बॉडी वेट है किस कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, तो अंडरवेट कौन आएगा, अंडरवेट आएगा, अंडरवेट आएगा जिसका बीएमआई 18.4 से कम होगा, जिसका बीएमआई 18.4 से कम होगा वो अंडरवेट आएगा। ठीक है, अब आता है नॉर्मल वेट, कि नॉर्मल वेट क्या होगा, तो इसका होगा जो 18.4 से 24.9 जिसका बीएमआई आएगा, तो जिसका बीएमआई 18.4 से 24.9 के बीच, इतना इसके बीच आ रहा है, वो नॉर्मल वेट में आएगा।
ठीक है, ओवरवेट होगा 25 से 29.9, ठीक है, और 25 से 29.9 जिसका आया वो होगा ओवरवेट। अब इसकी ओबेसिटी क्लास चल रही, फर्स्ट क्लास क्या होगी, 30 से 34.9, इनके जिसमें जिसके इतना है इसके बीच आएगा वो आएगा ओबेसिटी फर्स्ट क्लास। अब सेकंड क्लास क्या होगी, 35 to 39.9, ठीक है। अब इसकी थर्ड क्लास आ गई, थर्ड क्लास इसकी होगी कि जो 40 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब जिसका बॉडी वेट 18.4 से कम आ रहा है, जो आप उसका बॉडी वेट आएगा निकल के, वो सॉरी बीएमआई आएगा निकल के, वो आएगा अंडरवेट में। अब जो इसका बीएमआई निकल के आएगा, यदि वो 40 से ज्यादा आ रहा है तो वो आएगा ओबेसिटी में, ठीक है। अननोन पर्सन जो था इसका बीएमआई कितना, 27.34 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। किस कैटेगरी अंदर आता है, 18.4 नो, 24 लास्ट है, 27 है, 25 to 29 इसके, ये है ओवरवेट है, जो अननोन पर्सन है ये ओवरवेट की श्रेणी में आ रहा है। तो पता लगा सकते हैं लाभ, बीएमआई था 27.34, अभी 25 to 29.9 इसके बीच आएगा ना 25, 26, 27, 28, 29 आ रहा है। ये कौन सी कैटेगरी है, ओवरवेट की। तो जो अननोन पर्सन था वो ओवरवेट के अंतर्गत आ रहा है, तो हम ऐसे बीएमआई का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स बीएमआई, और यदि कोई इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज हो आपकी, आप कमेंट्स कर सकते हैं।